उधर जंतर मंतर पर आज ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेज फेडरेशन के बैनर तले नर्सेज ने प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की नर्सें भी पहुंची और उन्होंने भी यहां हिस्सा लिया। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली नर्सें आज सामूहिक अवकाश पर हैं। इनकी मांग है कि नर्सों की न्यूनतम एंट्री पे 5400 रुपए किए जाए और प्रदर्शनकारी नर्सों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो देश भर की नर्सें मिलकर बेमियादी हड़ताल पर चली जाएंगी। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाखुश नर्सी कर्मचारी आज जंतर मंतर पे एक भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते होंगे कि भारी संख्या में जो दिल्ली से जुड़े जो अन्य राज्य हैं, वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट सरकारी की बात करें, जितनी भी नर्सेज हैं वो आज यहाँ पर स्ट्राइक पर है, जो विरोध प्रदर्शन कर रही है। और लेकिन हालांकि एम्स का जो प्रशासन है वो अभी भी कार्यरत है। ज्यादा बातचीत के लिए जीके खुराना जी फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी है। मैडम, क्या मांगे हैं आपकी और इधर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आगे का लक्ष्य है? मांगे कुछ नहीं है, जो पे कमीशन ने हमारे साथ अन्याय किया उसको हम ठीक करने की गुजारिश गवर्नमेंट से कर रहे हैं। और 8 दिसंबर को हमने मेमोरेंडम दिया था कि पे कमीशन ने लोगों की तनख्वाह बढ़ती है, हमारी कम करी, हमारे क्लास 1 से क्लास 2 ऑफिसर बना दिया और हमारे जो स्केल मिलने चाहिए थे डिग्री के हिसाब से, अब पहले डिप्लोमा तो डिग्री हो गई, वो हमें नहीं दिए। अलाउंसेस हमारा कोई बढ़ाया नहीं और जो और अलाउंसेस थे वो बंद कर दिए और हमारे कंपैरिजन प्राइवेट नर्सेज के साथ कर दी। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अनपढ़ लोगों को भी लगा लेते हैं, पर जिससे नर्स नहीं होती, बहुत कम होती, होती है तो 1-2 साल ट्रेनिंग लेके वो अपना फॉरेन चली जाती। अगर सरकार आने वाले समय तक आपकी मांगे नहीं मारती है तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होने वाली है? आगे की रणनीति हमारी ये है, पहली बात तो ये है कि जैसे सरकार ने थ्रेट करा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो अडॉक है या प्रोबेशन पे, उन पे हम एक्शन ले लेंगे। अगर उन्होंने कोई भी एक्शन लिया तो हमारी कल से ही इंडेफिनिट स्ट्राइक शुरू हो जाएगी, नहीं तो अगर फिर डिमांड पूरी नहीं होती तो 15 मार्च से हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे पूरा इंडिया चला जाएगा। 15 मार्च से पूरी तरह से स्ट्राइक करने के फेवर में ये जो कर्मचारी हैं, नर्सिंग कर्मचारी हैं, वो उसका आह्वान कर सकते हैं अगर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय इनकी मांगे नहीं मानते हैं तो। कैमरा पर्सन निहाल सिंह के साथ मैं प्रशांत यागी, न्यूज़ इंडिया।